ये बालक है, बहुत बारिज है। अवतार, अरे अवतार, आई एम वेरी सॉरी। जो टाई तुम कल पार्टी में पहनने वाले थे ना, इसमें एक दाग लग गया है। तुम्हें बहुत पसंद थी ना? चलो दाग तो धुल जाएगा, मगर इसमें पहले जैसी बात कहाँ रहेगी। तुम तो एकदम सीरियस हो गए, क्या हुआ बोलो ना। बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया क्या? बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। देखो मैंने तुम्हें कसम दी है। शानू, बहुत शौक से एक बाग लिया था, यह समझ करके वो अछूता है। बाग बनते ही माली सबसे पहले हमारे हवाले कर गया, लेकिन आज पता चला कि हमसे बहुत पहले कोई और भी उस बाग से गुजर चुका है। तरीके, बस इतनी सी बात पर? अरे अभी तो बाग तुम्हारा है ना। वैसे ये टाई भी हमारी है, अपनी मर्जी से अपनी पसंद से अपने गले बांधी थी, लेकिन अब इस पर दाग लग गया है, अब इसमें वो बात कहां है ना। मिस्टर अवतार, आई एम इंस्पेक्टर पवार। यस। मरहूम गुंडप्पा स्वामी जो एक एक्सीडेंट में मारा गया था, हमें कागजात वहां से बरामद हुए जो आपकी पत्नी संगीता जी की जमीन और टिम्बर एस्टेट के। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट। संगीता की जमीन गुंडप्पा स्वामी के नाम। आप आ गए, आज आपका जन्मदिन है और आज खुशी के दिन भी इतना लेट हो गए। चलिए चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हर मेहमान की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, अवतार सब कहाँ है, अवतार सब कहाँ है। कल शाम कहाँ गए थे तुम?
कल शाम आपके कोट की डिलीवरी लेने गई थी, उसके बाद केक लेने। इसके अलावा और कहाँ गई थी तुम? आज के लिए सूट ठीक रहेगा ना? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कल शाम कहाँ गई थी तुम? मैं कहाँ जा सकती हूँ? आज आपका अचानक क्या हो गया है? क्यों शक भरे सवाल कर रही हो मुझसे? क्योंकि अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। कहना क्या चाहते हो तुम? अब कहने को रखा ही क्या है? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब ढोंग है। नहीं, कैसे बेवड़ी बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तो फिर ये सब क्या है? क्या ये? क्यों, आप खुद के चेहरे पर हजारों सवाल खड़े हो गए, किस सवाल का क्या जवाब दूं? कैसे सवाल, कैसे जवाब, क्या कह रहे हैं आप? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बताओ, जिस जमीन और फैक्ट्री को बचाने की तुमने इतनी कोशिश की, वो इतनी आसानी से सब कुछ तुमने गुंडप्पा स्वामी के नाम कैसे कर दिया? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे छुपाना तुमने अपना धर्म समझा? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? मेरा ऐसा कोई राज नहीं, कोई राज नहीं। झूठ बोलती हो, झूठ बोलती हो तुम। हाँ हाँ, झूठ बोलती हूँ। अगर तुम सच सुनोगे तो क्या होगा? यही ना, तो मैं जान जाऊंगा जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उसका चाहने वाला कोई और है? दिन मुबारक हो दोस्त। अरे कमाल है, नीचे सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। चल जा, जल्दी से तैयार हो। संगीता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान भी आएगा। तूफान तो उस दिन आएगा जिस दिन अवतार को इस बात का पता चल जाएगा कि संगीता जिसे प्यार किया करती थी वो कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त राम है। तेरा नाम जाने वफा है मगर मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था। लेकिन अवतार साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत, शोहरत और किस्मत सबने ही वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर। किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरे मोहब्बत की तौहीन।